मेरा भटूरा फूलता नहीं है या फिर मेरे भटूरे में वो स्वाद नहीं आता है जो बाहर के भटूरों में आता है। मैं जब बनाती हूँ भटूरे तो मेरे भटूरे पूड़ी जैसे होते हैं। आपकी ये शिकायतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी अगर आप ये वीडियो देख करके इस रेसिपी को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भटूरा बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, आधा किलो मैदा, इसको अच्छे से चाल लिया है। पूरा आटा ना लेकर के मैंने इतना आटा निकाल लिया, सूखा आटा जिससे हम भटूरा बनाएंगे। एक कलछुल सूजी, जो दाल की कलछुल आती है आपकी वो, नहीं तो चार बड़े चम्मच। उसके बाद आधे चम्मच बेकिंग सोडा, जो आपके घर में बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है, आधा चम्मच आप वो डालेंगे। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, नमक आपको ज्यादा पसंद है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इतनी चीनी, एक चम्मच के जितनी चीनी, थोड़ी सी एक चम्मच की जितनी खस के अजवाइन, उसके बाद जो है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, ये घर पे हमने मेथी सुखाई हुई है तो वो मेथी है। मेथी से जो भटूरे का स्वाद होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा भटूरे में मेथी जरूर डालती हूँ। 4 से 6 चम्मच तक जो कलछुल है, यही 4 से 6 कलछुल तक मैं डालूंगी एकदम मस्त खट्टी वाली दही। आपके पास खट्टी दही नहीं है कोई बात नहीं, जो दही है आप उसको यूज कीजिए। उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। मेरे पास खट्टी दही अवेलेबल थी तो मैंने खट्टी दही को मिला करके सारा सामान जो भी आटे में मिलाया हुआ है मैदे में सब अच्छे से रब कर लूंगी ताकि पूरा पोर्शन सब में बराबर हो जाए, पूरे मैदे में सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हाथों की सहायता से पूरे मैदों को एक कर लेंगे जिससे हमारा जो भी चीजें हमने डाली हुई हैं वो सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करते करते जैसे हमको लगेगा कि जैसे जैसे दही की जरूरत है, हम दही डाल डाल के इसको अच्छे से गूंथते जाएंगे। ये आटा मुझे बहुत ज्यादा एकदम ढीला सा भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। मीडियम आटा जैसे रोटी का होता है उससे थोड़ा सा सख्त, ऐसा आटा चाहिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए, दही डालते हुए हम अपना जो डो है वो रेडी कर लेंगे। डो हमें हमेशा छोला बनाने, जैसे छोला भटूरा हम बना रहे हैं तो भटूरा बनाने के आधे घंटे या फिर 45 मिनट पहले रेडी कर लेना है ताकि उसको थोड़ा गर्म जगह पे रख देना है, उसमें खमीर उड़ जाए। इसलिए अगर आपको भटूरा बनाना है तो 1 घंटे पहले से ही आप आटा अपना रेडी कर लें जिससे कि आप जब भटूरा बनाए तो भटूरे में खमीर बनी हो और वो बहुत अच्छे से फूले। अगर आप तुरंत आटा गूंथ के भटूरा बनाएंगे तो आपका भटूरा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा जितना बाहर का मार्केट का भटूरा करता है। इसलिए मैंने आधे घंटे से ज्यादा, मतलब 45 मिनट पहले अपने भटूरे का जो डो है वो रेडी कर लिया था, लगा करके इसको गर्म जगह पे रख दिया था। भटूरे का आटा ना तो बहुत ज्यादा सख्त लगाना है ना ही बहुत ज्यादा ढीला करना है। आप देख रहे हैं मेरा आटा जो है वो ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा ढीला है, इसलिए मीडियम उसमें आटा बनाएंगे जैसे रोटी का होता है वैसे। अब इसको मैं तेल से ग्रीसिंग कर दूंगी जिससे कि आटे में जो टाइटनेस है वो थोड़ी कम हो जाए और आटा मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और गूंथने में भी बहुत आसानी हो। जब आटे में आप घी डाल देते हैं तो उससे मोयन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आटा लगाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप लास्ट में घी डाल के आटा जरूर लगाएं जो भटूरे का है, उससे आटा थोड़ा ढीलापन भी आ जाएगा और उसमें जो चिपचिपापन है वो भी दूर हो जाएगा। मेरा आटा सेट हो चुका है, अब मैं इसे कवर करके थोड़ा सा गर्म जगह पे रख दूंगी, जैसे जो आपके यहाँ गर्म जगह हो वहां पे आप रख दीजिए। 45 मिनट के लिए आटा एकदम रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं
आटा एकदम ढीला हो गया है पहले से। अगर आप इसको पहले से ही ढीला कर देंगे तो एकदम बहने लगेगा, फिर इसका भटूरा आप बहुत अच्छे से नहीं बना सकते हैं। बहुत अच्छे से खमीर भी आ गई है आटे में और मेरा आटा पूरी तरीके से रेडी है। जैसे फटाफटा सा आटा दिखना चाहिए ना, वैसा हो गया है। तो अब इसको कम से कम 10 मिनट तक मैं ऐसे ही इसको सेट करूंगी, जिससे कि इसके अंदर जो भी खमीर है वो प्रॉपर पूरी जगह पे हो जाए और मेरा आटा बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट और चिकना हो जाए। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, उतना कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है और आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसका फाइनल भटूरा। अगर इस मेथड से आप भटूरा बनाते हैं तो आपका भटूरा सुपर सॉफ्ट, इस तरीके से फूला हुआ, एकदम अच्छे से डब्बे जैसा भटूरा बनेगा, जिसको देख के अपना भी दिल खुश हो जाता है कि मेरा भटूरा इतना अच्छा बना है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं जब भी छोले भटूरे बनाती हूँ मेरे घर में सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो छोला भटूरा होता है ना, वो बाहर के रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा छोला भटूरा बनता है। मेरे भटूरे एकदम सुपर सॉफ्ट होते हैं, उनको खींचना नहीं पड़ता, चबाना नहीं पड़ता है, इसलिए वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपका भटूरा बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप सेम इसी प्रोसेस से अपना भटूरा बनाइए और अच्छा बने तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये ऐसा ही मेथड यूज़ करके अपना भटूरा बनाया है और आपका भटूरा बहुत अच्छा लगा है। अगर आपके पास भटूरे के आटे में डालने के लिए कस्तूरी मेथी नहीं है, आप धनिया डालिए, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं पहले नहीं डालती थी, फिर मैंने एक बार एक रेस्टोरेंट में छोले भटूरे ऑर्डर किए थे तो उसमें जो भटूरा आया था उसमें मेथी डाला हुआ था, वो मेथी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन भटूरा, नहीं तो पहले व्हाइट ही भटूरा बनाती थी, बहुत अच्छा लग रहा था, तब से मैंने मेथी ऐड करना स्टार्ट किया और भटूरा मेरा बहुत अच्छा बनता है। आप देख रहे हैं ऐसे ही फूले फूले से एकदम डब्बे जैसे भटूरे बनेंगे, जिसको आप सर्व करेंगे वो भी देखता रह जाएगा कि एकदम रेस्टोरेंट के जैसा भटूरा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं। जैसे आप मेरे वीडियोस को अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकॉन है इसको हिट कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियोस हो वो आप तक जरूर पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका भटूरा कैसे बना है। और चलिए वीडियो को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सपना की दुनिया।